Good afternoon, students. Today we will do The Death of the Moth, written by Virginia Woolf. As you know, Virginia Woolf is one of the most important writers, not just of her time, but of all literary history. A modernist, she is a modernist. And her contemporaries like James Joyce, T.S. Eliot, Ezra Pound, all invented some new type of writing. She is known especially for the novels Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, and A Room of One's Own. The Death of the Moth was published in The Death of the Moth and Other Essays in 1942 after Woolf's suicide. While the essay should and does stand on its own, how might what we know about Woolf's life and death color the way we read this piece? It means Virginia Woolf. आप जब Virginia Woolf को पढ़ते हो तो आपको उनके mind, उनके character और उनके psychological terms को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब उन्होंने Mrs. Dalloway लिखा या A Room of One's Own लिखा तो उन्होंने बात किया किसका, subconscious mind की बात की उन्होंने. उन्होंने कहा कि हमारा जो consciousness है उसके साथ साथ एक subconscious mind भी काम कर रहा है. She always sound very pessimistic and she is too much attracted towards life and death. So in this essay also, The Death of the Moth, the title is very significant. आपके paper में सीधा question आता है कि how this title is important या what is the significance of this title. तो आपका जो ये title है that is very important, because what is moth? आपने एक पतंगा देखा होगा, moth देखा होगा, जिसकी सिर्फ एक दिन की life होती है, ठीक है, वो एक दिन के बाद उसकी life ख़त्म हो जाती है. तो यहाँ पर जो moth है वो किसको शो कर रहा है, सिम्बलाइज कर रहा है शॉर्ट लाइफ को. हमारी जो लाइफ है, हमारी जो रियल नेचर ऑफ लाइफ है, उसको हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं. एंड देन हमारे पास क्या आती है, डेथ आती है. और जब डेथ आती है तब हम किसका इम्पोर्टेंस समझते हैं, लाइफ का इम्पोर्टेंस समझते हैं. तो इसके अंदर, इस ऐसे के अंदर वो किसके बारे में लिखती है, एक मौत की, डेथ के बारे में लिखती है, जो कि काफ़ी रिचिट तो होती है, काफ़ी विविड तो होती है, स्ट्रेंजनेस वाली होती है, बट एज वेल एज वो पिटी भी होती है. इट सिम्बलाइजेज द शॉर्ट लाइफ ऑफ मोथ दैट कॉरस्पॉन्ड्स द रियल नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो इसका जो मेन थीम है इस एसे का वो क्या है, कि कैसे रियल नेचर ऑफ, व्हाट इज़ द रियल नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ. अब इस एसे के अंदर जो मौत है वो अपनी वेटालिटी के लिए, वेटालिटी इज़ कि वो अपनी जिंदा दिली के लिए जाना जाता है, अपने हेरोइक स्ट्रगल के लिए जाना जाता है, कि किस तरीके से वो अपनी इस डेथ से बचने के लिए कितना स्ट्रगल करता है, कितना स्ट्रगल करता है. एंड एट द एंड ऑफ द एसे उसे हमें महसूस होगा कि उसे लग जाता है, मौत को लग जाता है कि यस, डेथ इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एसे. मोथ दैट फ्लाई बाय डे आर नॉट प्रॉपरली टू बी मोथ्स दैट फ्लाई बाय डे आर नॉट प्रॉपरली टू बी कॉल्ड मोथ्स. जो पतंगे दिन में फ्लाई करते हैं उन्हें हम पतंगे नहीं कह सकते, वो रियल पतंगे नहीं होते हैं, मोथ नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर किसी प्लेजेंट टाइप की भावना को एक्साइट नहीं करते. रियल पतंगे कौन से होते हैं, जो ऑटम डार्क नाइट में आईवी ब्लूजम एटमॉस्फेयर में बिल्कुल येलो टाइप में, शेडो में हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट क्रिएट करे, उस टाइप के पतंगे को हम रियल पतंगा कहेंगे. लेकिन जो दिन में होते घूमते हैं, फ्लाई करते हैं, वो तो हमारे अंदर किसी तरीके की भावनाओं को वो अरोज ही नहीं कर पाते, तो उन्हें हम नहीं कहेंगे पतंगे. दे आर हाइब्रिड क्रिएचर्स, नीदर गे लाइक
अब वो एक बहुत ही ऊंची प्रजाति होती है, हाइब्रिड टाइप के होते हैं ना, तो ये हमेशा खुश रहने वाले बटरफ्लाइज की तरह होते हैं और ना ही इतने सोबर होते हैं अपनी दूसरी और स्पीसीज की तरह। नेवरदलेस का मतलब इन स्पाइट ऑफ दैट, ये जो प्रेजेंट स्पेसीमैन है, अब यहाँ पर जो ऑथर है वो अब किसके बारे में बात कर रही है, मौत के बारे में। तो प्रेजेंट स्पेसीमैन कौन है, मौत है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका अब वो डिस्क्रिप्शन देती है कि वो कैसा दिखाई देता है, विद इज नैरो हे कलर्ड विंग्स, फ्रिजेंट विद अ टैसल ऑफ सेम कलर, सीम टू बी कंटेंट विद लाइफ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। मतलब वो छोटा सा है, हे कलर्ड है, उसमें कुछ टैसल्स लटके हुए हैं सेम कलर के, लेकिन वो फुल ऑफ लाइफ लग रहा है, कंटेंट विद लाइफ लग रहा है, इट वॉज प्लेजेंट। अब वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करती है वेदर के बारे में, जहाँ पर वो अपनी कुर्सी पे आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी और अचानक से उसकी नज़र जो है एक मौत के ऊपर जाती है, तब वो ये पूरा ऐसे डिस्क्राइब कर रही है, लिख रही है, अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है आपके साथ। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग, माइल्ड सेप्टेम्बर, माइल्ड benignant, what is benignant, that is kindly and benevolent, yet with a keener breath than that of a summer months. तो जो मौसम था बहुत अच्छा था, बड़ा प्यारा सा मौसम था, खेती हो रही थी, the plow was already, हल पूरे उसमें खेतों में चल चुका था और जो हिस्सा बचा था वो पूरा दब गया था और मॉइस्चर की वजह से जो है पानी चमक रहा था। सच विगर केम रोलिंग इन फ्रॉम द फील्ड्स, और इस तरीके का तेज उस फील्ड से आ रहा था जैसे कि बहुत ही चमकदार सा, बहुत ही प्यारा सूदिंग सा नेचर हो रखा था। और इस नेचर में अपनी आइज़ को किताबों पर टिकाए रखना इज़ वेरी टफ, तो यहाँ पर वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है उस पतंगे से और बाहर के एटमोसफेयर से। अब क्या होता है, द रूक्स वर टू कीपिंग वन ऑफ देयर एनुअल फेस्टिविटीज़। अब जो रूक्स हैं, रूक्स मतलब यहाँ पे किश्ती को बोला गया है, वो अपने त्यौहार मनाने में लगे हुए हैं। पेड़ जो है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ जो हैं वो चारों पेड़ की चोटी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और वो जब तक उड़ता रहता है जब तक मानो हजारों काली गांठों वाला एक विशाल जाल ऐसा लग रहा है उसको हवा में फेंक रहा है बार बार, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि कुछ पलों बाद, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, धीरे धीरे वो पेड़ों पे गिरता है और जब तक वो हर एक गांठ में रुक नहीं जाता ना, तब तक वो हवा में बस उछलता ही रहता है। द रूक्स टू वर कीपिंग वन ऑफ देयर एनुअल फेस्टिविटीज सॉरिंग, ऐसा लग रहा है जैसे किश्तियाँ अपना फेस्टिवल्स मना रही हैं और पेड़ के जो चोटियाँ हैं उन पे वो राउंड राउंड घूम रहा है और गांठों के एक जाल ने उसे हवा में फेंक दिया और आफ्टर अ फ्यू मोमेंट वो नीचे आता है और फिर से उसे हवा के जाल ने फेंक दिया। तो इस टाइप का एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। उसके बाद देन सडनली द नेट वुड थ्रोन इन, फिर दोबारा से वो जाल जो है उसे हवा में फेंकता है और अब इस बार और भी बड़े सर्कल में उसे फेंकता है और भी ज़्यादा शोर के साथ, क्लैमरस कोलाहल, शोर एंड वॉसिफिकेशन आवाज़ के साथ, एज दो बी थ्रोन इन टू द एयर। और फिर से दोबारा से वो स्लोली डाउन आता है टी ट्रॉप्स पर और बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे अद्भुत सा, बहुत ही शानदार सा ट्रिमेंट्रियस एक्सपीरियंस, अनुभव वो ले रहा है। मतलब ओवरवेलमिंग है वो पूरा इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज है और अपने अनुभव को अपनी लाइफ को कंटेंटली जी रहा है, मतलब फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन के साथ वो जी रहा है, इंजॉय कर रहा है इन सारी चीज़ों को। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द सेम एनर्जी विच इंस्पायर्ड द रूक्स, द प्लोमैन, द हॉर्सेज एवन, अब वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं उस पतंगे में ही वो एनर्जी देख रही हूँ, मैं सेम एनर्जी, जीने के लिए एनर्जी जो है, जो उसकी ट्रिमेंडियस एनर्जी है, वो मैं इन रूक्स में भी, इन बदमाशों में भी, इनमें प्लोमैन्स में, हॉर्सेज में, सब में दिखाई दे रहा है। और बार बार वो जो मौत है वो बार बार जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लटर करता हुआ विंडो पेन से बार बार टकरा रहा है। वन कुड नॉट हेल्प वॉचिंग हिम, कोई उसे देख नहीं पा रहा है, कोई उसे उसकी तरफ तो किसी की नज़र ही नहीं जा रही है क्योंकि छोटा सा पतंगा है। वन वॉज इंडीड कॉन्शियस ऑफ अ क्वेयर फीलिंग ऑफ पिटी फॉर हिम, लेकिन कोई था वहाँ पर जो उसकी फीलिंग्स को, उसके ऊपर दया कर रहा था, उसको कॉन्शियसली देख रहा था, और वो कौन था, वो खुद वो ऑथर थी।
तो द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेजर सीम दैट मॉर्निंग सो अनॉमरस. वो कहती है कि वो जो खुशी थी उस सुबह की वो इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा थी कि दैट टू हैव ओनली अ मोथ पार्ट इन लाइफ, कि ये जो है ये एनर्जी जो है वो सिर्फ एक पतंगे की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है. और इसका पता भी है इस मौत को कि उसकी ज़िंदगी भी पूरे एक ही दिन की है, आ डे मोथ्स एट दैट. मतलब ये पतंगा सिर्फ एक ही दिन के लिए है, और देखो तो इसका भाग्य कितना हार्ड है, कितना टफ है, इसमें कितना जोश है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, उसे बचाने के लिए. लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, बहुत कम. तो उसकी ये हालत देखकर ऑथर को बहुत ही उसके ऊपर दया आती है, उसकी जो कंडीशन है उसे पथेटिक लगती है. उसके बाद ही फ्लू विग्रेसली, वो बस एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहता है. आफ्टर वेटिंग देयर फॉर, फिर वहाँ पर एक सेकंड के लिए वो वेट करता है और फिर दूसरी तरफ उड़ जाता है. उसके पास अब उड़ने के लिए बचा ही क्या था, एक से दूसरा कोना, दूसरे से तीसरा कोना, तीसरे से चौथा कोना, और चौथे से फिर पहला कोना. तो दैट वॉज ऑल ही कुड डू, वो बस यही कर सकता था. और इन स्पाइट ऑफ द साइज ऑफ द डाउन्स, और ये बिना परवाह करे हुए कि वो कितनी बार गिर रहा है और कितनी गहराई में गिर रहा है, क्या कितना आसमान फैला हुआ है, कितना धुआं निकल रहा है, ये सब चीज़ों को बेपरवाह होते हुए वो सिर्फ एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर में उड़ रहा था. तो व्हाट ही कुड डू, जो भी वो कर सकता था उसने किया. वॉचिंग हिम, उसे देखना इतना आनंदमय था, इतना सुख भरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उस एक छोटे से पतले से पतंगे में, वो एक फाइबर की तरह था, उसमें एक दुनिया भर की एनर्जी उसके अंदर आ गई है. उसका शरीर बहुत ज़्यादा फ्रेल है, वीक है, डिमिनेटिव, छोटा सा शरीर है उसका, लेकिन एनर्जी उसमें इनॉमरस है, जीवन से भरा हुआ है वो. As often as he crossed the pane, अब जैसे ही वो उस सिल को, उस विंडो पेन को क्रॉस करता है, I could fancy that a thread of vital light, एक जीवन से भरी हुई एक दैवीय शक्ति, एक लाइट उसके अंदर मैं महसूस कर सकती थी. He was little or nothing but life. वो एक छोटा सा पतंगा था, छोटा सा था, little nothing but वो जीवन से भरा हुआ था. Yet, because he was so small, वो इतना छोटा था और इतना सिंपल था अपनी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, कि वो बार बार वहाँ से लुढ़कता पुढ़कता अपनी विंडो को, ओपन विंडो के पास में आ रहा था. उसके बाद उसके अपने तरीकों से वो उसे अपने आप को ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था. तो उसकी उसके उसके मन में इतने सारे, वो कहती है कि मेरे खुद के मन में इतने सारे नैरोज कॉरिडोर्स, इतने बैरिकेड्स थे, इतने ज़्यादा मुश्किलें थी. मैं उसे देख पा रही थी कि वो कितना मुश्किलों से लड़ रहा है अपनी लाइफ को जीने के लिए, इन दोज ऑफ अदर ह्यूमन बींग. और ऐसा ही नहीं है कि मेरे माइंड में ही ऐसे कॉरिडोर्स, नैरो और इंट्रिकेट कॉरिडोर्स होते हैं, अदर ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, बट देयर वॉज समथिंग मार्वलस एज वेल एज पथेटिक अबाउट हिम. लेकिन उस छोटे से पतंगे में कोई तो बात थी, कोई तो शानदार सी चीज़ थी उसके अंदर, जो उसकी शानदार लाइफ के प्रति जीने की भावना और उसे उसके हमारे मन में उसके प्रति पथेटिक फीलिंग्स को रेज कर रही थी. इट वॉज एज इफ समथिंग हैड टेकन अ, बस ऐसा लग रहा था. बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन्स है ये, जो आप अपनी आंसर में शामिल कर सकते हो, कि ऐसा लग रहा था जैसा कि एक प्योर लाइफ का मोती जो है वो वहाँ पर हो, और वो फुल ऑफ लाइफ है, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल बस वो डांस कर रहा है, जिगजैगिंग फॉर्म में हमें बता रहा है कि जीने का जो अंदाज़ है वो यही है, स्ट्रगल्स के साथ आप लड़ो, स्ट्रगल्स को फेस करो, एंड लिव अ ट्रू नेचर ऑफ लाइफ. दैट डिस्प्ले दस डिस्प्लेड वन कुड नॉट गेट ओवर द स्ट्रेंजनेस ऑफ इट. अब वो कहता है कि देखो इसकी जो स्ट्रेंजनेस है, इसकी जो विचित्रता है, इसका जो कोई नहीं देख पा रहा उस चीज़ को, हमें दिखाई दे रहा है लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा. वन इज़ ऑप्ट टू फॉरगेट ऑल अबाउट लाइफ. ये एक ऐसा बंदा है जो सब कुछ भूल गया लाइफ के बारे में. सींग इट हार्म्ड, पॉज्ड, गार्निश्ड, कम्बर्ड, सो दैट इट हैज़ टू मूव. उसने सारी सारी परेशानियों को, सारी दुख दया को, सब चीज़ को इसने एक तरफ कर दिया, ताकि वो अपनी स्थिति से लड़ सके, मूव कर सके और सम्मान से फिर ऊपर उठ सके. अगेन द थॉट ऑफ ऑल दैट लाइफ, फिर से मैं
मुझे महसूस हो रहा था कि जो उसका लाइफ जीने का तरीका है वो एक बहुत ही शानदार वे में हमें दिखा रहा है. द थॉट ऑफ ऑल दैट लाइफ माइट हैव बीन हैड ही बीन बॉर्न इन एनी अदर शेप, वो महसूस करती है कि अगर ये पतंगा किसी और शेप में पैदा हुआ होता ना तो इसकी जो लाइफ थी वो लाइफ में, इसकी जो जर्नी थी वो एक लाइफ में चेंज हो जाती और इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जो एक्टिविटीज़ वो जीने के लिए कर रहा है उन पे उसे दया आ रही है, काइंड ऑफ पिटी वो शो कर रहा है कि काश इसमें, काश ये किसी और शेप में होता और काश ये अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर पाता. आफ्टर अ टाइम ट्राइड बाय हिज, अब कुछ समय बाद वो बिल्कुल टायर्ड हो जाता है, थक जाता है. हिज डांसिंग अपेरेंटली जाहिर तौर पर, ठीक है, डांस करते करते वो थक जाता है तो वो अपना सन में विंडो लेज पर बैठ जाता है. अब द क्वेयर स्पेक्टिकल बीइंग एट एंड, अब बस एक अजीब सी हम उसे देख रहे हैं, बस अब उसका डांस खत्म हो गया तो ऑब्वियसली छोटा सा पतंगा ही तो है, कोई ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ तो है नहीं. तो वो कहती है कि आई फॉरगॉट अबाउट हिम, मैं उसके बारे में भूल गई. फिर मैंने ऊपर देखा और मेरी नज़र उसके ऊपर गई तो फिर वो क्या देखती है, ही वॉज ट्राइंग टू रिज्यूम हिज डांसिंग, कि वो अपने डांसिंग को ना बचाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी फिर से डांस करने की कोशिश कर रहा है. बट सीम्ड ईदर सो स्टिफ और सो ऑकवर्ड, और वो इतना स्टिफ लग रहा है या इतना ऑकवर्ड लग रहा है कि जैसे वो जानता है कि उसे बस यहीं तक, वो सिर्फ यहाँ विंडो पेन के नीचे ही फ्लटर कर पा रहा है. उसके बाद व्हेन ही ट्राई टू फ्लाई अक्रॉस इट ही फेल, और फिर वो अगर वो दोबारा उड़, क्योंकि थक चुका है उड़ उड़ के, तो उसके जो अंत की जो जर्नी है वो अब पास आने लगी है, तो वो बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा है बट वो फेल्ड हो जाता है. बींग इंटेंट ऑन अदर मैटर्स, अब वो दूसरे मैटर्स को भी जानता है लेकिन वो बार बार उन चीज़ों को वॉच कर रही है उसके. अब वो कहती है छोटा सा पतंगा है लेकिन देखो मैंने कितना टाइम इसके ऊपर वेस्ट किया, मैं उसे देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है उसे देखना. आई वॉच दिस, मैं उसके फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स को देखे जा रही हूँ, उसके बेकार अटेम्प्ट्स को देखे जा रही हूँ फॉर अ टाइम विदाउट थिंकिंग, बिना ये सोचे हुए कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ. अनकॉन्शियसली वेटिंग, ना जाने मैं क्यों उसका वेट कर रही हूँ कि वो अपनी फ्लाइट को फिर से भरे, अपनी उड़ान को फिर से भरे. एज वन वेट फॉर अ मशीन, जैसे हम एक मशीन जो है जो कि हमें पता है कि बस ये किसी भी पल रुक जाएगी लेकिन हम फिर से उसका स्टार्ट करने की उम्मीद करते हैं कि पता नहीं इसका फेल होने का क्या रीज़न है. आफ्टर परहैप्स, अब वो सेवन्थ अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन वो स्लिप हो गया वहाँ से, और स्लिप होने के बाद वो वुडन लेज से नीचे गिर जाता है. वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, विंडो सेल पर अपनी पीठ को रखता है. अब जो उसका एटीट्यूड था, उसका मजबूरी का, जो उसका हेल्पलेसनेस का जो एटीट्यूड था, इसने मेरे अंदर मेरी आत्मा को हिला कर रख दिया. रोज्ड मी ही इट फ्लैश्ड अपॉन मी, इसने मुझे बहुत जोर की झंझोरा कि वो मुश्किल में है तो ही कुड नॉट लो, अब वो नहीं उड़ सकता, उसके लेग्स जो हैं वो बेकार के स्ट्रगल कर रहे हैं. बट मैं वहाँ पर उठी, मैंने अपनी पेंसिल को आगे बढ़ाया क्योंकि विंडो पेन के पास ही वो बैठी हुई है, मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी. इट केम ओवर मी, वो मेरे पास आया लेकिन वो बेकार था, वो आ नहीं सकता था, उसका फेलियर और ऑकवर्डनेस जो है उसको किसकी तरफ ले जा रही थी कि अब जो है इसकी डेथ होने वाली है, अप्रोच ऑफ डेथ. तो मैंने अपनी पेंसिल को नीचे रख दिया. फिर उसके बाद फिर दोबारा से एक बार फिर वो अपने लेग्स को एगिटेट करता है, गुस्से में उनको फड़फड़ाता है. और जब मैं उसके सामने देख, और ऐसा मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उसकी एक बहुत बड़ी एनिमी हूँ जिसके लिए, जिसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहा है. तो आई लुक्ड आउट ऑफ डोर्स, और फिर मैं डोर्स के बाहर देखती हूँ तो क्या होता है वहाँ पे, मिड डे हो गया है, आधा दिनों से अपने लाइफ का ख़त्म हो गया है उसका, मिड डे हो गया है, सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ ठहर गया है, क्वाइट, जो भी पहले दिखाई दे रहा था, हल चलते हुए दिखाई दे रहे थे, ग्रीनरी दिखाई दे, सब कुछ क्वाइट हो गया. बर्ड्स जो हैं अपना ब्रूक्स में वापस चले गए अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, हॉर्सेस स्टिल खड़े हुए हैं. लेकिन जो पावर है, जो वहाँ के आसपास की जो पावर है, वो भी अभी बिल्कुल उस पहले तो किससे कनेक्ट दिखाई दे रहा था, मौत से, लाइफ से कनेक्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन दिस टाइम सब कुछ इनडिफरेंट और इम्पर्सनल दिखाई दे रहा है. समहाउ इट वॉज अपोज टू द लिटिल हे
कलर्ड मोथ, अब सब कुछ जो है किसके अपोज दिखाई दे रहा है, इस हे कलर्ड मोथ के। पहले क्या दिखाई दे रहा था, सब कुछ इसके फेवर में दिखाई दे रहा था, फुल ऑफ लाइफ दिखाई दे रहा था, इट वॉज यूजलेस टू ट्राई टू डू एनीथिंग, अब कुछ भी करना बिल्कुल बेकार था, कोई उसकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स जो उसकी छोटी छोटी टांगे कर रही थी वो भी बिल्कुल बेकार था, अब उसका डूम आ चुका था, अब उसका अंत आ चुका था। Had it chosen, have submerged an entire city, not merely a city, but a masses of human being. Nothing I knew had any chance against death. सबको पता है कि death के against आपका कोई chance नहीं होता, चाहे वो एक city के बारे में हो, चाहे human beings के बारे में हो। Nevertheless, after a pause of exhaustion, अब फिर से थकान के बाद, Nevertheless, after a pause of exhaustion, the legs fluttered again. अब फिर से उसकी टांगें जो हैं फ्लटर करने लगी। It was superb. This last protest. वो कहती है कि ये इसका जो protest था वो बहुत ही super था और बहुत ही पागलपन वाला था. So frantic that he succeeded at last. कि उसे आज भी उम्मीद थी कि अभी भी वो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा और वो अपनी attempt में, अपनी life जीने की attempt में वो जीत जाएगा. मेरी sympathies उसके साथ थी. वो all on the side of life. Also, when there was nobody to care, वहाँ पर उसे ये भी पता है कोई उसको केयर करने वाला नहीं है, कोई उसको जानने वाला नहीं है, लेकिन उसके जो एफर्ट्स थे इस छोटे से लिटिल मौत के जिंदगी जीने के लिए वो बहुत बड़े थे, जिजेंटिक थे, वो जिजेंटिक एफर्ट कर रहा था, वो अगेंस्ट अ पावर ऑफ सच मैग्नीट्यूड, वो अपने आप को रिटेन करना चाह रहा था, बचाना चाह रहा था, दैट वॉट नो वन एल्स वैल्यूड, क्योंकि कोई उसकी वैल्यू नहीं करता, किसी को कोई मतलब नहीं था उसे डिज़ायर कि वो उसे बचाए, मूव्ड वन स्ट्रेंजली, सब जो हैं अपने काम में लगे हुए थे। अगेन सम हाउ वन सॉ लाइफ, फिर दोबारा मैंने उसमें लाइफ देखी, एक प्योर बीट था वो। आई लिफ्टेड द पेंसिल अगेन, यूजलेस दो आई न्यू इट, मुझे मैंने फिर से अपनी पेंसिल को उठाया कि मैं इसे शायद ठीक कर देती हूँ, इसको खड़ा करने की हिम्मत करती हूँ, लेकिन मुझे पता था ये सब बेकार था। बट इवन आई डिड सो, लेकिन फिर भी मैंने किया, द अनमिस्टेकेबल टोकन्स ऑफ डेथ शोड देम सेल्फ, लेकिन बार बार वहाँ पर मुझे जो है उसके डेथ के टोकन दिखाई दे रहे थे। उसकी बॉडी अब रिलैक्स हो चुकी थी, इंस्टेंटली ग्रू स्टिफ, टफ होती जा रही थी, उसका स्ट्रगल ओवर हो गया था, वो छोटा सा जो क्रिएचर था अब वो जान गया था कि उसकी मौत आ गई है। जैसे ही मैंने उस डेड मौत को देखा, द मिनट वे साइड ट्रिम्फ ऑफ सो ग्रेट अ फोर्स ओवर सो मीन एंड एंटेगनिस्ट फिल्ड मी विद वंडर, तो मेरे अंदर जो भावना थी, मेरे अंदर उसके अंदर विजय की भावना थी और मेरे अंदर जो था ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसका एंटागोनिस्ट हूँ, मैं उसका दुश्मन हूँ जिसने मुझे जो है आश्चर्य से भर दिया था। जैसे लाइफ हैड बीन स्ट्रेंज अ फ्यू मिनट बिफोर, जैसे जिंदगी कुछ समय पहले बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र दिखाई दे रही थी क्योंकि वो जीने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही डेथ भी उतनी स्ट्रेंज दिखाई दे रही थी। द मोथ हैविंग राइटेड हिमसेल्फ, अब मोथ ने अपने आप को सीधा कर लिया, एंड नाउ ले मोस्ट डिसेंटली, बड़े डिसेंटली कामली वो लेटा हुआ है, अनकम्प्लेनिंग, कोई कंप्लेन नहीं है उसको जिंदगी से, और लास्ट में वो कह उठता है कि यस डेथ इज स्ट्रॉन्गर देन आई, कि हाँ मौत जो है वो सबसे पावरफुल है। एज यू रिमेंबर कीट्स ऑलवेज सेज दैट, सॉरी कीट्स नॉट कीट्स, सॉरी तो जहाँ तक है मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि वर्जीनिया वुल्फ जो है वो डेथ को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानती हैं। ऑन द अपोजिट ऑफ दैट कीट्स जो है उन्होंने इसी बात को लताड़ दिया था कि डेथ इज़ नॉट पावरफुल, इट्स जस्ट अ सिंपल फॉर्म ऑफ स्लीप। ओके, तो वर्जीनिया वुल्फ का जो राइटिंग स्टाइल है वो डेथ को ज़्यादा शो करता है। तो यहाँ पर हमारा जो थीम निकल कर आएगा वो क्या है कि मौत जो है वो मोथ फॉर हिज विटालिटी एंड हिज हेरोइक स्ट्रगल के लिए ये पूरा ऐसे लिखा गया है, उसके हेरोइक स्ट्रगल के लिए लिखा गया है, टू लिव इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग इनइविटेबिलिटी ऑफ डेथ। इनइविटेबिलिटी ऑफ डेथ मीनिंग कि आप डेथ को से बच नहीं सकते, विच कैन नॉट बी अवॉइड। ठीक है, इनइविटेबिलिटी का मतलब होता है विच कैन नॉट बी अवॉइड, तो आप डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते। बट मौत के अकॉर्डिंग उसने आपको ये शो करने की कोशिश की है कि एक छोटे से क्रिएचर ने, एक डिमिनेटिव से क्रिएचर ने अपनी लाइफ को फुल ऑफ जिया, डांसिंग करते हुए जिया,
आपने पूरी कोशिश करी, आपने लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ब्रेथ तक वो लड़ता रहा अपनी लाइफ से, एंड देन लास्ट में वो अपनी डेथ से मीट कर गया. और डेथ भी उसकी बुरी नहीं थी, जितनी स्ट्रेंज, जितनी ब्यूटीफुल, जितनी फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरी हुई उसकी लाइफ थी, उससे उतनी ही उसकी डेथ भी कामिंग और अनकम्प्लेनिंग रही है. सो स्टूडेंट्स, आई होप एंड आई रियली कंसीडर दैट दिस एसे विल हेल्प्स यू अ लॉट. और अगर आपको इसके आंसर में कुछ भी लिखना होगा, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एसे बनाना होगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिए. और सुनने के बाद आप अगेन उसमें अपने आप से लिखने की कोशिश कीजिए. यू हैव अ लॉट ऑफ मैटर ऑन गूगल, ओके? तो आपको जो वन बाय वन लाइन समझ नहीं आती है वो चीज़ें समझ आएंगी. एंड took some lines exactly from the essay and quote them to make your answer more beautiful. So this is the death of the moth. Okay, bye.